हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट सिक्स द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज हुज लेंथ इज 5.7 एंड द ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है वो शेप का होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं एक दूसरे के इक्वल होती है ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी तो उसने कहा है कि जो लेंथ है वो 5.7 सेंटीमीटर है एंड जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है तो जब ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर तो दैट मीन्स ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी एंड ये 5.7 है तो दैट मीन्स इसके अपोजिट वाली साइड भी 5.7 सेंटीमीटर होगी हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है तो अगर ये रेक्टेंगल है मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी टी जो लेंथ है वो आपकी 5.7 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है कहा है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है तो आपको लेंथ कितनी गिवन है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है थ्री सेंटीमीटर अब आप क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइव पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई थ्री है ना तो वॉट विल यू गेट वन सेवन वन एंड आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेवन से पहले एक डेसिमल भी लगा है एक नंबर से पहले डेसिमल है तो दैट मीन्स एक नंबर से पहले डेसिमल आएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर यूनिट हो जाएगी एक सेंटीमीटर ये एक सेंटीमीटर ये एक मल्टीप्लीकेशन में दोनों की पावर ऐड हुई तो स्क्वायर याद रहे एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा आपका ओके सो दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वन सेवन पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर